Hello, all the beautiful, lovely friends out there. This is your host and host, RJ Priya Jani. And yes, I welcome you in your own radio station. That is Radio Awesome. It's awesome. Well, so today, आज यहाँ पर बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ बहुत ही जो यूनिक टॉक शो है जिसका नाम है बातों बातों में. जी हाँ, बातों बातों में we have lots of interesting conversation and we talk about music and so many different topics. So वैसे तो हमें बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है. वी हैव मोर देन 40 to 50,000 friends who have already joined us in this unique show. साथ में just for your information, as we are getting lots of the family is getting bigger because this show is live streaming in more than 45-50 countries. Yes, so anybody can download this application. It's absolutely free. So आप जरूर से join कीजिए with your friends and family members because we are having lots of fun out here. And yes, already बहुत सारे जो friends उन्होंने join करना शुरू कर दिया है. Well. So let's go in a unique world. So today I have in my brand new episode of बातों बातों में a very unique talk show और Radio Awesome जो आपका खुद का radio station है. तो बस चलिए, let's go in a unique world. और जी हाँ, आज मेरे साथ यहाँ पे दो सरस है. जी हाँ, वन इज यस इज अ वोकलिस्ट फॉर यंगर जनरेशन. यस, बहुत ही एक वर्सटाइल और बहुत ही एक उम्दा कलाकार उभरा हुआ कलाकार है जो आज यहाँ पे मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. यस इज अ सन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड यस इज अ जो इज अ सन ऑफ पंडित भवानी शंकर जी. And we all know he is so popular. So, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है. And yes, if I talk about this personality, younger and the most happening personality, तो इन्होंने बहुत ही young age में अपना जो गाना है वो शुरू कर दिया था, almost at the age of 12. Yes, and then there was not looking back. चाहे कोई भी playback singer हो, चाहे Sonu Nigam हो, Udit Narayan हो, कोई technician हो, सभी के साथ उन्होंने स्पेशली जब 50th ईयर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, सो ही पार्टिसिपेटेड इन दैट एट द एज ऑफ 12. शी हैज डन लॉट्स ऑफ वोकल एल्बम्स, पर्सनल एल्बम्स, बहुत सारी किए एंड इज वेरी पॉपुलर. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स वेलकम उमा शंकर कथक. और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलके उनका स्वागत करें. सो हेलो, हाय, वेलकम यू इन दिस टॉक शो बातों बातों में. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडी. और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू दिस वंडरफुल शो कॉल बातों बातों में एंड मौसम रेडियो में. एंड थैंक यू सो मच मयंक जी एंड आप सभी को जो ये प्लेटफॉर्म दिया कुछ बात करने के लिए बातों बातों में. So today we are going to talk on a different topic. Especially आपके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. Yes. And yes, एक और हमारे साथ सेलेब है. And she is like I must say she is a singing sensational. Her voice is so velvety. और उनको popularly माना जाता है, उनको जाना जाता है. She is a खुशबू गुजराती. और गुजराती हमारी लता मंगेशकर उनको कह सकते हैं. और चाहे लता मंगेशकर का गाना हो, आशा भोसले जी का गाना हो, कोई भी हो, चाहे नया पुराना कोई भी गाना, she is a best performer and yes, she is versatile. I'm introducing Varsha Kulkarni. Thank you so much. Thank you so much. Good evening all of you. Good evening all of you. Namaskar. Yes. Yes. So how are you feeling? बताइए कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे हम बहुत अच्छा लग रहा है. सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर बिकॉज ऑफ रेडियो मौसम. रेडियो मौसम, यस, बिकॉज ऑफ व्हाट?
बिकॉज ऑफ रेडियो मौसम हम सब एक जो हमारा जो है छोटी हो गई है बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आपको कनेक्ट हर चीज से करती है. म्यूजिक आपको भले ही वो रेडियो हो चाहे चाहे कोई भी माध्यम हो वो आपको कनेक्ट करेगा ही करेगा किसी भी चीज से. राइट. सो यू स्टार्टेड योर जर्नी सो अर्ली एट द एज ऑफ 12 राइट ऑलमोस्ट या करेक्ट. मैंने I started actually going with my dad और मैंने सबको देख देख के सीखा. हालांकि मेरे गुरु थे उस्ताद सुल्तान खान साहब और पंडित रामदेश पांडे जी और मकबूल खान साहब. मैंने उनसे सीखा है तो काफी उनसे सीखा, काफी उनके घर रहा और काफी कुछ चीजें मैंने देख देख के सीखी. और पापा को एक्चुअली लगता था कि मैं गा नहीं पाऊंगा कभी. मतलब कि एक गाना था तो मैं बहुत छोटा था, 12 साल का था, कुछ होता ही नहीं, वो 12-11 साल का था करीब. तो 50 साल हो गए थे इंडिपेंडेंट को तो एक प्रोजेक्ट आया था तो मैं रेगुलरली वो प्रोजेक्ट में पापा के साथ जा रहा था और देख रहा था काम कैसे हो रहा है, कैसे लोग रिकॉर्ड कर रहे, कैसे क्या कर रहे हैं. तो मेरे दिमाग में वो सब चीजें चलती रही कि और हर एक गाने की लाइन वगैरह जो भी, काफी सारे सिंगर थे, सोनू निगम जी थे और उदित नारायण जी, अलका याग्निक, कुमार शानू भी थे, रूप कुमार राठौर भी थे, काफी सारे सिंगर थे. तो उसमें सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट है. तो और एक गाना था जो एक छोटे बच्चे का था तो वो हमें मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, पापा को भी नहीं मिल रहा था. तो पापा ने बोला गाएगा कौन, पता नहीं चल रहा. तो मैंने बोला मैं ट्राई करता हूँ. उस टाइम पे मतलब 11-12 साल की उम्र में. तो पापा ने बोला नहीं तू नहीं गाएगा, तेरे को आता भी नहीं है, तू गाएगा कैसे. तो मैंने बोला मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ. हालांकि सब गाना पूरा मुझे याद है. तो पापा के एक पार्टनर थे जो उन्होंने बोला लेट ट्राई, लड़का बोल रहा है तू करते कोशिश. तो मैं पहली बार हेडफोन पहन के तैयार हो गया, माइक के सामने खड़ा हो गया और मैंने गाना चालू शुरू किया. तो गाना ओके हो गया और पापा बाहर चले गए. तो पापा ने बोला कि ये अगर मेरे सामने रहेगा तो वो गाएगा नहीं. तो पापा के जो पार्टनर थे उनको बताया कि तू उसको गवा दे और मैं बाहर चला जाऊँ. तो बोला ठीक है. तो मैंने 2 टेक में करीब ओके हो गया वो गाना और डन हो गया. तो वो गए बाहर जो पापा के पार्टनर थे, बोले वो लड़के ने गा दिया. और तो बोला क्या बात कर रहा है, बोले यस वो गा दिया उसने. तो उन्होंने सुना और उन्होंने ओके बोल दिया. तब से मैंने मेरी जर्नी शुरू हो गई थी. आपके ये जो आपने जो बताया उससे एक चीज मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि अगर कोई चाहे या पेरेंट्स कोई चाहे तो डॉक्टर बना सकते, इंजीनियर बना सकते अपने बच्चे को, लेकिन आर्टिस्ट बना नहीं सकते. इसके ऊपर मैं एक आपको स्टोरी ही बता देता हूँ. वो मैंने मतलब मैंने मेरा जो बैंड है, नया बैंड जो मलंग्स के नाम से, वो मैंने इसी पे यही सोच के किया था. क्योंकि मैं पहले क्या करता था, मैं पहले श्यामक दावर का आपने नाम सुना होगा. यस यस. तो मैं पहले उसकी टीम में था एज ए प्रोडक्शन मैनेजर. सो मैंने और बॉम्बे में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं कि अपनी जॉब से वो खुश नहीं रहते, बस पैसा कमाने के लिए. वो कमाना मतलब वो रोजमर्रा की जिंदगी में वो पैसा कमाना जानते हैं, मतलब वही करना है, यही हो रहा है और बाकी कुछ हो नहीं रहा है. तो लेकिन वो जो करना चाह रहे वो नहीं हो रहा है, वो जो करना चाह रहे वो नहीं हुआ. तो अभी जैसे छोटी सी एक चीज है, मैं मेरा प्रोजेक्ट लेके मैं गया था, बड़ी कंपनी में गया था. सो मैंने मेरा स्टोरी बताया कि वो मैं वीडियो भी उसी रियल स्टोरी पे ही मैं निकालना चाहता हूँ और मैंने ऑलरेडी मेरा शूट हो चुका है. तो मेरी वो
स्टोरी ही मैंने अपने वीडियो में दिखाई है कि मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, रोज का बॉस का खिटपिट खिटपिट, वो नहीं सुनना है मुझे। तो मैंने लोगों को बताया कि ऐसी है स्टोरी, तो बोला कि ये हर दूसरे आदमी की स्टोरी है सर। तो यहाँ पे हर दूसरे आदमी की स्टोरी है कि वो 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना है, या मुझे हेल्प करना है, या मुझे गाना है मुझे। तो ये चीज है ना, मैंने बोला ये चीज मैं पकड़ के चलूंगा, क्योंकि यही चीज शायद हर दूसरे लड़के की या लड़के की स्टोरी है। तो मैंने उसमें दिखाया है, हाँ मैंने उसमें दिखाया है कि मैं रोज काम पे जा रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है, मेरे अंदर म्यूजिक है, मैं वो करना चाह रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं, पर मुझे म्यूजिक से ही मेरा नाम बनाना है, मुझे म्यूजिक करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो उसमें मैंने ये बताया कि 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, खुश नहीं हूँ, एक दिन क्या करता हूँ मैं जॉब छोड़ देता हूँ और रेजिग्नेशन लेटर देके निकल जाता हूँ, उसके बाद मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और मुझे म्यूजिक ही करना है, मैं रास्ते पे गा रहा हूँ कहीं क्लास। हेलो अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब एज यू सेड दैट हॉबी अगर प्रोफेशन बन जाए तो स्काई द लिमिट, मतलब मजा आ जाता है, मतलब वो सबके लिए इंस्पिरेशनल वीडियो है और वो करीब करीब ऑर्गेनिकली वो 1.1 मिलियन तक टच हो गया है। और इसी वजह से वो मेरा बैंड तैयार हो गया मलंग के नाम से, आई लव दैट नेम, तो वो मलंग के नाम से, एंड द नेम इज आल्सो सो डिफरेंट, अनकॉमन नेम है मलंग, सो हाउ एक्चुअली मलंग, इसीलिए मलंग इसीलिए था कि मेरा जो मेरा होल वो पूरा स्टोरी जो है उसी पे है कि वो मलंग होके ही है ना वो म्यूजिक करना चाहता है बस, इसीलिए परफेक्ट नेम है। और जो मेरा बैंड है वो स्टैंड करता है सूफी पे भी और बॉलीवुड पे भी दोनों। अच्छा या आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है वो, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा और आप प्लीज शेयर करना सब जगह। ओके ठीक है, एंड सर मैं यहाँ पे एक हमारे व्यूअर है, ये सर एक इंटरनेट वीडियो है एज वी ऑल नो एंड इट इज बीन स्ट्रीमिंग इन मोर देन 50 कंट्रीज, लाइव स्ट्रीमिंग होता है and anybody can join this program, this radio station, right? तो उसमें हमारे जो viewers हैं, they are also very curious to know, और उनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो यहाँ पे एक Mrs. Sujata Mehta है, and she is from UK. तो उनका मैं question है जो आपके लिए है, तो बस उनका यही है कि आप कोई सुना दीजिए, कोई आपके पूजा जी को भी और आप सभी को। तो कुछ पुराना किस सामने तो मेरे लता जी की है, आप लोग एक काम करेंगे, आप पहले फूलों का लीजिए, she will sing one song and then we'll do it together. That's a good idea. So, ek Kishore Kumar ji ka gana hai. Ji, ji, ji. Bahut achi baat hai. Oh, mere dil ke chain. Oh, mere dil ke chain. नाए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना हिस्सा देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या हो गया सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है बरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, थैंक यू। चलिए कॉन्सर्ट अभी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपने बोला ना कर लेते हैं, आपने आपने बताया क्या होगा सोचो तो जरा, तो आपका तो बहुत मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख ही रहा है आपकी। अरे थैंक यू सो मच, बस ब्लेसिंग है सबकी, अच्छी दुआएं हैं सबकी, अच्छी ब्लेसिंग है सबकी और सब गुरुओं की है, और बस उनकी उनकी वजह से ही सब कुछ कर रहे हैं, मॉम डैड की वजह से सब। यस और वर्षा जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, यस यस, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, क्लिपेक्स हिंदी में किया है उन्होंने, गुजराती फिल्म्स वगैरह में, बॉलीवुड जिंगल्स वगैरह, और कितने सारे स्टेज शोज किए हैं उन्होंने, मोर देन 3000, मोर देन, मस्ट बी मोर देन दैट आई एम श्योर। वाओ वाओ, कभी हमें भी मौका दीजिए। आप अभी मयंक भाई दे रहे हैं ना धीरे धीरे मौका, तो अभी आगे मयंक भाई को ही बोलते हैं, मयंक जी से ही बोलेंगे। ये लाइव कॉन्सेप्ट बनता है, बॉलीवुड भी गाता हूँ, और क्या है मेरे दो बैंड है, एक तो फ्यूजन बैंड है, वो है उसका वो बैंड का नाम है साउंड ऑफ एशिया, सो वो मैं लीड करता हूँ और डैड जी लीड करते हैं, वो एक यू कैन से मैंने वो पूरे वर्ल्ड में काफी जगहों पे मैंने वो बैंड को ट्रैवल कराया है और काफी शोज किए हैं, जैज में भी किया है और काफी गवर्नमेंट एम्बेसी शो किए हैं उसके, और वो प्रॉपर एक यू नो यूनिक कॉन्सर्ट है जो कि आज की तारीख में मींस सभी सभी लाइक करते हैं, जैसे पखावज पखावज भी हम जब सुनते हैं सारंगी, मैं उसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो सारे यूनिक लिए, पखावज है, सारंगी है, ढोलक है, जो ये सारी चीजें है ना, और जैम्बे है, वेस्टर्न है और इंडियन है, इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न पूरा वो मिक्सचर एक पैकेज आपको मिलता है, सो वो टोटली डिफरेंट है। और एक मेरा बैंड है मलंग, मलंग स्टैंड्स फॉर सूफी सूफी जॉनर एंड लिटिल बिट बॉलीवुड, सो मैं थोड़ा थोड़ा ठुमरी भी जानता हूँ, तो वो जानता क्या हूँ कुछ नहीं, लेकिन ठुमरी भी थोड़ा बहुत उसमें साउंड ऑफ एशिया में परफॉर्म करता हूँ, सो मैं सूफी भी और थोड़ा बॉलीवुड और मतलब थोड़ा क्लासिकल भी गा लेता हूँ। मैं आपको दो लाइन और भी ठुमरी की भी सुनाता हूँ। ठुमरी रेडी करिए जी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक ठुमरी रेडी करिए थोड़ा, तब तक मैं वर्षा जी को एक गाना गुनगुनाना थोड़ा रिक्वेस्ट। हाँ 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 पक्का पक्का, यस 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 डेफिनेटली, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हाँ वैसे तो देखो प्रिया जी, अभी क्या है कि लता जी की बर्थडे भी आ रहा है 28th of September, तो अभी माहौल पूरा लतामय हो गया है, यहाँ पे भी सब शो अरेंज किए वो सब लता जी का फोकस करके ही किए, तो अभी उनका गाना और जो कॉन्सर्ट में जो लता जी फर्स्ट गाना गाते हैं, तो ये मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग भी है, लता जी को दिल के भी बहुत करीब है, मेरे भी दिल के भी बहुत करीब है, तो वो उसी की दो गाने दो लाइने अजी गा लेते हैं। अजीब दास्ता दिए कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के साथ क्यों तुम रात से ये ख्वाब देखती हूँ मैं,
कि जटपटे मुखावजे अजीब दास्ता दिए कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले दुकान से लबों समझ सकते हम क्या बात है बाकी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं गाते जाऊँ वेरी नाइस वेरी नाइस बट आज मैंने तो बहुत सुना है वैसे प्रिया जी और हम तो साथ में स्टैच्यू करते रहते लेकिन ये बात है प्रिया जी कि हम लोग यहाँ पे शो करते तो 3000 या 4000 ऑडियंस ही रहता है लेकिन आज बयान भाई ने जो अरेंजमेंट किया है ये टॉक शो के जरिए तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जायदाद में पूरी दुनिया मतलब में हम लोग ऑडियंस से जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए ऑसम रेडियो और मयंक शाह जी का मतलब बयान भाई थैंक यू सो मच ऑल क्रेडिट गोज टू रेडियो मौसम जिन्होंने ये जो ऑडियंस जो हमारे थी 10-15-20 हजार ज्यादा से ज्यादा उसे और बढ़ा दिया है जी एंड नाउ इट इज द फैमिली इज गेटिंग बिगर बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स है वो ज्वाइन कर रहे हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग होगा एंड देन यस सब ज्वाइन भी करें ये मेरे को लगता है खुशबू गुजरात की तो अभी पता नहीं नाम चेंज करना पड़ेगा पूरे खुशबू खुशबू दुनिया की कैसे पास किया मतलब लॉकडाउन में आपने क्या फील किया घर पे रहे कैसे किया शो किया मैं तो घर पे रहा प्रैक्टिस किया रियाज किया वर्चुअल कॉन्सर्ट किए यही चल रहा था और घर बैठे बैठे आर्टिस्ट है तो ऑब्वियसली म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आपको कभी बोरिंग नहीं लगता और मैंने एक गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा एक लॉकडाउन 4.0 मैंने अभी मैं आपको पूछने जा रही थी कि वो किस बारे में क्या है व्हाट इज 4.0 वो ये एड्रेस कर रहा था सभी जनों को जो भी मतलब जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाएं सैनिटाइजर और मास्क लगा के अगर जरूरी काम है तो ही निकले नहीं तो फिर मतलब काफी दिक्कत आ सकती है और हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उसलिए हमने मैसेज हमारे म्यूजिक को कोई स्टॉप नहीं कर सकता ना लॉकडाउन ना आपका एनीथिंग मतलब कोरोना या एनीथिंग मीन्स लाइक कुछ भी हो म्यूजिक यू कांट स्टॉप क्रिएटिंग you can't stop music you can't stop creating anything in music you know so humne ye kiya tha ki ghar baithe baithe humne maine ek composition taiyar ki thi puri kareeb 2 minute ki usme maine as a special guest mere dad ko rakha tha so wo pura project hi hai na lockdown 4.0 jo tha wo हमने सबने जो मेरे बैंड मेंबर्स हैं वो सबने अपने अपने घर से रिकॉर्ड करके दे दिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था एंड वो सब लोगों ने अपने घर से अपना अपना पार्ट बजा के मैंने गा के और मेरा छोटा भाई है वो प्रोफेशन बजाता है सो बाकी एक जने कीबोर्ड है एक गुड बिंस है और बाकी सब लोगों ने अपने अपने पार्ट सारंगी है अपने अपने पार्ट बजा के भेज दिए तो हमने वो एडिट करके हमने प्रेजेंट किया तो लोग काफी इंस्पायर्ड हो गए कि म्यूजिशियन भी काफी इंस्पायर्ड हो गए कि ये घर बैठे बैठे भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर जाके काम करें सो म्यूजिक को कोई स्टॉप नहीं कर सकता करेक्ट और मेरा टाइम पूरा जो लॉकडाउन का था वो यही कटा है इसी में कटा है So, chale, yeah. I think we have some more minutes left in this talk show. So, fusion आपका एक टूर ले लेते हैं and then maybe a duet. Duet? कोई बात नहीं चलेगा मुझे हाँ एक टूर हो जाए आपका वो फ्यूजन वाला कलर आपका है वो ज्यादा सुना
आपको कोई याद है ठुमरी जो मैं गाऊं? नहीं, आप अपने आपको जो अच्छे लगे। ठीक है ठीक है। सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तू, ऐसो गए परदेस पिया तू, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं सुख जतन करवा रही, लाख जतन करवा रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मुझसे बोले ना, मुझसे बोले ना। थैंक यू। आप तो एक लाइव शो, जैसे ही ये परमिशन मिल जाए हम आर्टिस्ट को, एक लाइव कॉन्सर्ट होना ही चाहिए। बस महिंग जी को बोलो, बोलिए आप लोग, बोलिए महिंग जी को कि एक लाइव शो करें तो हम लोग बच्चे कुछ करें। नहीं सच में आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई, और सच में अगर यूएस आना हुआ तो पक्का हम मिलेंगे एंड मेक सम गुड म्यूजिक आल्सो। यस चलिए, सो अब क्योंकि हमारे पास वक्त, वी हैव टू मैनेज द टाइम आल्सो। या या या, सो गुड गुनाना दे डू इट एंड देन मैसेज फ्रॉम बोथ दिस साइड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये रात ये मौसम चलेगा आपको? ये रात ये मौसम कोई दूसरा आप बोलिए, तुझ संग प्रीत लगाई। सॉरी, तुझ संग प्रीत लगाई, आप ही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में भी कुछ आ रही है वो गाना, कोरा कागज का ये मन मेरा, एक डुएट गाना और एक है ना। एक काम करते हैं, आप सभी गाना गाते हैं कि हम तीन लोग आ सके, जरूरी नहीं कि डुएट ही होना चाहिए, तो एक मेरे आ रहा है, जिंदगी मिलके बिताएंगे, ठीक है, तो हम सब मिलके गाते हैं एंड उनको याद आना चाहिए, वो तो गाने के बाद सर आई एम श्योर आपको पता ही है ना, मुझे पुराने गाने थोड़े थोड़े कम याद हैं, तो वो गाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये लॉकडाउन अभी चालू है, ठीक है, मतलब काफी सारा कुछ चालू है, मतलब सिचुएशन काफी ऐसी है, लेकिन हमें जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। सो वन टू थ्री, ऐ जिंदगी गले लगा दे, ऐ जिंदगी गले लगा ले, सभी हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया, जिंदगी गले लगा ले, छोटा सा छाया था आंखों में आया था, हमने तो बूंदों से मन भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले,
थैंक यू सुपर, थैंक यू सो मच, रियली नाइस ऑफ यू. और आप दोनों को ये एक मैसेज देना है कि आपको कैसा लगा, द मैसेज टू आवर व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वी हैव हार्डली फ्यू मिनट्स नाउ, सो मैसेज दे दीजिए, शॉर्ट मैसेज. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे एक मैसेज देना है कि आपको जिंदगी में जो भी स्पेशली बातों बातों में एंड मौसम रेडियो के थ्रू ये मैसेज देना है मुझे कि आपको जिंदगी में जो भी करना हो दिल से करो और वही करो, क्योंकि वही आपका आपकी डेस्टिनी है, वही आपकी डेस्टिनी है. आपको म्यूजिक करना है म्यूजिक करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन फोर्सफुली कुछ मत करो क्योंकि उसमें ना ही मजा है ना ही कुछ है. Okay, मुझे सुपर. और मुझे साथ में बोलना है रेडियो रेडियो मौसम इट्स ऑसम राइट. सो आप दोनों को एटलीस्ट बोल सो टाइम दी रेडियो मौसम इज ऑसम सो प्लीज डू लिसन एंड एंजॉय. सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अगेन रेडियो मौसम, रेडियो मौसम. आप जब भी मुझे बताए, जब भी टाइम हो मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा आप मौसम रेडियो के लिए. जो आपका शो है बातों बातों में जी मैं अवेलेबल रहूंगा हमेशा. डोंट वरी जी, शुक्रिया. सो विद दिस एंड दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन टॉक शो बातों बातों में एंड मायसेल्फ प्रिया जानी, आज प्रिया जानी, आई हैव टू साइन ऑफ. ऐसा लगता है कि बस ये कंटिन्यू होता जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए वी हैव टू एंड अप टू स्विच टू लास्ट. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. हम बहुत जल्द मिलेंगे प्लीज आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके. या थैंक यू सो एंड यस सी यू सून. खुशी मिली है और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू यू नो शेयर एवरीथिंग एंड थैंक यू मयंक जी एंड भाविश भाई आल्सो. सो फिर मिलेंगे इसी शो में जल्दी. जी बाय बाय. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ऑसम रेडियो इज ऑसम. ऑसम, थैंक यू सो मच.